Good morning, students. Welcome to the online classes. I'm your SST teacher, and the first chapter of your SST of standard 6 is our solar system. Hamara solar system. So, before we start the chapter, I want to ask you something. First, tell me, whenever you look up and see the night sky, hai na? What do you have noticed? कभी आप रात को जैसे अंधेरा में रात ऊपर आसमान में देखते हो तो आप क्या नोटिस करते हो? कुछ तो नोटिस करते हो, कुछ तो दिखता होगा आपको. ओके, तो यू हैव नोटिस थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स आर स्प्रेड एवरीवेयर इन द स्काई. आप देखते होगे कि हजारों हजार स्टार्स, इस तरह से छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार्स ऊपर में पूरे फैले हुए हैं आसमान में. ठीक है, तो ये जो स्टार्स हैं, और आप सन को रोज देखते हो, सुबह सनराइज होता है, शाम में सनसेट हो जाता है. तो आप जब सन को देखते हो तो आप क्या समझते हो उससे? क्या है ये सन? व्हाट इज सन? तो आपको बता दूं, सन भी हमारा एक स्टार है, एक तारा है. हाँ, और ये सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा बिगेस्ट स्टार है. हाँ, और सन हम लोगों को दो चीजें प्रोवाइड करता है, एक तो हीट हो गया और दूसरा लाइट हो गया. आप जो दिन में इस तरह से प्रकाश देखते हो, लाइट देखते हो, वो हमें कौन देता है? सन देता है. ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. ओके, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हेन वी लुक अप एंड सी द नाइट स्काई वी हैव नोटिस थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स दैट स्प्रेड ऑल ओवर लाइक स्वॉर्म्स ऑफ ग्लो वर्म्स इन द डार्क फॉरेस्ट. द सन, which is the most important source of light and heat for us, is one of these stars. Similarly, the moon, the other important natural source of light, is a satellite, while the earth where we live is a planet. अब जब आप सन स्टार्स को नोटिस करते हो तो हम अर्थ को कैसे भूल सकते हैं जिसपे हम रहते हैं? ऑफ कोर्स. ठीक है, तो ये जो आपका अर्थ है, पृथ्वी है, ये प्लैनेट है, ग्रह है. ठीक है, तो ये प्लैनेट, स्टार्स, सन, मून, सैटेलाइट्स, जो आप सुनते होगे सैटेलाइट्स के बारे में, आपने देखा भी होगा सैटेलाइट्स को. ठीक है, तो ये सारे जो भी ऊपर हमको आसमान में नजर आते हैं, या फिर हम अपने नेकेड आईज से देखे या टेलीस्कोप के थ्रू देखे, तो ये जो भी चीजें हैं जो ऊपर आकाश में होते हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. कौन सा बॉडीज कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी. अब ये सेलेस्टियल बॉडीज को हम एक और नाम से जानते हैं. यस, इट इज हेवनली बॉडीज. क्लियर? ठीक है, तो दीज सेलेस्टियल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट आवर यूनिवर्स ऑफ विच द अर्थ इज ऑल्सो अ पार्ट. तो अब जब ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं या हेवनली बॉडीज हैं, जब एक साथ एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं यूनिवर्स. क्या कहते हैं? यूनिवर्स. तो अब हम एक नया वर्ड आया, यूनिवर्स. ठीक है, तो अब हम इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. Everything that exists in space is a part of universe. Of course, our Earth is also a part of this universe. अब जो भी चीजें ऊपर स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है वो किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है. और हमारा अर्थ जिसपे हम रहते हैं, पृथ्वी हमारी, वो भी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट. ठीक है, अब अगर हम एक अदर लैंग्वेज पे कहें, दूसरे भाषा में कहें, तो द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द सन, द मून, द अर्थ, स्टार्स, गैस, डस्ट एंड ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. तो हमारा यूनिवर्स किस किस चीजों को कंटेन करता है अपने अंदर? सन को, मून को, सैटेलाइट्स को, है ना, प्लैनेट्स को. यस, और अपार्ट फ्रॉम अर्थ यू मस्ट नो देयर आर ऑलरेडी 7 मोर प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, एंड आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज प्लैनेट्स लेटर. मैं बाद में आपको अर्थ के अलावा जो 7 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी. ठीक, अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी प्रपोज बाय साइंटिस्ट ली मैत्रे एंड जॉर्ज गैमो. ठीक है, ध्यान से समझना.
ये जो एक थ्योरी है जिससे अर्थ के बारे में हमें पता चला और किन लोगों ने हमें अर्थ के बारे में या यूनिवर्स के बारे में स्पेस के बारे में बताया, तो वो थे ली मैथ्रे एंड जॉर्ज कैमो। तो ये जो यूनिवर्स है ये 14 बिलियन ईयर्स अगो, समझ रहे हो, बिलियन ना, लाखों लाख। तो ये 14 बिलियन ईयर्स अगो आपके दो साइंटिस्ट के जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया और उस थ्योरी का नाम था द बिग बैंग थ्योरी। कभी नाम सुना है आपने, बिग बैंग थ्योरी? तो इस बिग बैंग थ्योरी से हमें यूनिवर्स के बारे में पता चला। क्लियर? ठीक। तो अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है आपका गैलेक्सी। तो गैलेक्सी में जाने से पहले, मतलब गैलेक्सी में जाएंगे नहीं हम लोग, बट गैलेक्सी के बारे में बात करने से पहले आई वॉन्ट टू रिकॉल एवरीथिंग डेट वी हैव रेड अर्लियर। हमने जो भी अभी पढ़ा वो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है,